डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। प्यारे बच्चों, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन यानी अवकलन के अनुप्रयोग की इस कड़ी में आपको बताने जा रहे हैं स्पर्शी और अभिलंब, टेंजेंट एंड नर्व। कोई दिया गया वक्र है और उस दिए गए वक्र के एक निश्चित बिंदु पर किस प्रकार स्पर्शी और अभिलंब को ज्ञात करेंगे, तो ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे स्पर्शी क्या है। बच्चों, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं स्पर्शी तथा अभिलंब। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हैं ये हमारा कोई वक्र है, कोई दिया हुआ वक्र है। इसको हम लेते हैं, माना वक्र y बराबर fx की निश्चित बिंदु x1 y1 पर स्पर्शी तथा अभिलंब ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा है y बराबर एफ एक्स फलन है। हमने मान लिया कि एक आपका कोई वक्र इस तरह से है, इस वक्र का समीकरण क्या है y इक्वल टू एफ एक्स वक्र है। इसका एक निश्चित बिंदु दिया है, एक निश्चित बिंदु ये आपका p x1 y1 है। अब इसी P बिंदु पर हमें स्पर्शी खींचना है, तो स्पर्शी आप कह सकते हैं ये आपकी जो रेखा है, ये आपकी जो रेखा है, इस रेखा का अगर हम नाम लिख दें, बिंदु आपका P तो ये है और इस रेखा का नाम लिख दें MN, तो ये आपका स्पर्शी हो जाएगा। और यहां से इस पर लंबवत अगर कोई रेखा खींच दी जाए, मान लीजिए ये आपका आर्यस रेखा खींची गई है, तो आर्यस रेखा इस पर अभिलंब हो जाएगा। जो स्पर्शी पर क्या होता है, हमेशा 90 अंश का कोण अंतरित करता है। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, वक्र y बराबर एफ एक्स, वक्र y बराबर एफ एक्स का यक्ष की सापेक्ष अवकलन करके dy बाय dx बराबर f डैश x प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले दिए गए फलन का हम dy बाय dx करके एक्स प्राप्त करेगी। फिर स्पर्शी की प्रवणता क्या हो जाएगी बच्चों, स्पर्शी की प्रवणता ये आपका यम बराबर होता है डी वाई बाय डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1 पर। इसका जो मान होगा, जो भी वैल्यू इसकी आएगी, हमने मान लिया यह वैल्यू आ रहा है यह फेस्ट, जो भी वैल्यू आएगा तो उसको हम ज्ञात कर लेंगे, वही स्पर्शी की क्या होगी, प्रवणता होगी। फिर अगले कड़ी में हम क्या निकालेंगे बच्चों, ये रेखा जो है स्पर्शी, वह एक प्रकार की सरल रेखा होती है, तो किसी भी सरल रेखा का जो समीकरण होता है उसमें अगर हमें एक बिंदु प्राप्त हो, यानी स्पर्श बिंदु प्राप्त है और क्या मालूम है इस रेखा की प्रवणता, तो स्पर्शी का समीकरण क्या हो जाएगा,
स्पर्शी का समीकरण y माइनस वाई वन बराबर यम x माइनस एक्स वन, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y माइनस वाई वन डी वाई बाय डी एक्स एट द पॉइंट एक्स वन वाई वन एक्स माइनस एक्स वन। ये आपका इस तरह से आप स्पर्शी का समीकरण निकाल सकते हैं बच्चों। अगर आपको इसी पर अविलंब का समीकरण ज्ञात करना है तो क्या करेंगे फिर? यदि अविलंब की प्रवणता यम डैश हो तो हमको पता है कि ये स्पर्शी की प्रवणता यम और अविलंब की प्रवणता यम डैश एक दूसरे की क्या होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। तो कह सकते हैं यम इंटू यम डैश बराबर माइनस वन। यहां से हम यम डैश प्राप्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई यम। तो अविलंब का समीकरण अभिकरण क्या हो जाएगा, अविलंब का समीकरण। ठीक है बच्चों, तो अविलंब का समीकरण हो जाएगा y माइनस वाई वन यम डैश एक्स माइनस एक्स वन। यहां से आप चाहो तो मान दो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन बाई यम एक्स माइनस एक्स वन। इट कैन बी राइट y माइनस वाई वन माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट एक्स वन वाई वन, ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम अविलंब का समीकरण ज्ञात करेंगे। ये हमारा आपका मेथड हो गया। तो इस मेथड को आप याद कर लीजिए। इसी तरह से हम स्पर्शी और अविलंब ज्ञात करते हैं। हम उदाहरण लेते हैं, हमारे पास दो वक्र हैं। जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं वक्र एक्स स्क्वायर बराबर वाई, ये आपका पहला इक्वेशन है, तथा वक्र वाई बराबर एक्स स्क्वायर की प्रतिच्छेद से जाने वाली स्पर्शी व अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये आपका एक कोई न्यूमेरिकल है, कोई सवाल है, इसको हम समीकरण के रूप में अभी नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, वक्र एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई तथा वक्र वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर की प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली स्पर्शी व अविलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसमें एक चीज और हम जोड़ सकते हैं, तथा उनके स्पर्शियों के बीच का कोण बताइए। ठीक है बच्चों, ये आपका एक सवाल हो गया। तो इस सवाल को हम हल करते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। वक्र क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई, ये आपका पहला इक्वेशन। दूसरा क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे और हल करने के पश्चात ये दोनों वक्र कहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, कहां काटते हैं, परिप्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। तो देख सकते हैं समीकरण वन व यहां पर हम थोड़ा सा देख सकते हैं, ये यहां पर हम चेंज करेंगे, एक ही वक्र हो गया है तो इसको हम बदल देते हैं फिर से। ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहां क्या है बच्चों, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर ले लेते हैं।
क्योंकि दोनों एक ही बात का हो गया था, एक ही समीकरण हो गया था, अब दोनों अलग हो गए। समीकरण एक और दो से क्या होगा बच्चों, यह हो जाएगा यक्स स्क्वायर टू यक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यक्स पावर फोर माइनस यक्स इक्वल टू जीरो, यक्स यक्स क्यू माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहां से यक्स के दो मान प्राप्त हुए जीरो और वन, ठीक है बच्चों। अब दोनों का आप निकाल सकते हैं, समीकरण एक का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, आप अवकलन करिए कि x के सापेक्ष क्या हो जाएगा समीकरण एक का, या टू एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू dy बाय dx या dy बाय dx। अगर हमें प्रवणता ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं, प्रवणता m बराबर dy बाय dx एट द पॉइंट जीरो वन, तो यहां पर टू इंटू जीरो यानी आपकी प्रवणता हो गई शून्य। तो प्रथम वक्र पर स्पर्शी का समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों, प्रथम वक्र पर स्पर्शी का समीकरण y माइनस वन जीरो यक्स माइनस जीरो, तो यहां से कह सकते हैं y माइनस वन बराबर जीरो, ये प्रथम वक्र की स्पर्शी का समीकरण है। अब यहीं पर आप अभिलंब अगर निकालना चाहते हैं प्रथम वक्र का, तो आप अभिलंब भी निकाल सकते हैं, यदि अभिलंब की प्रवणता यम डैश हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, यम इंटू यम डैश इज इक्वल टू माइनस वन, तो यहां पर यमनेस इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन बाई यम, माइनस वन अपॉन जीरो यानी इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये आपका इनफाइनाइट हो गया। अब अभिलंब का समीकरण निकाल सकते हैं, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण क्या होता है, वाई माइनस वन यहां पर हो जाएगा इनफाइनाइट यक्स माइनस जीरो। इनफाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट जो है किसी नंबर में जीरो का भाग देने पर प्राप्त होता है, यानी यहां पर जैसे है माइनस वन अपॉन जीरो, तो आप देख सकते हैं यहां से इसको इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी यक्स बराबर जीरो आएगा, यक्स बराबर जीरो इसके अभिलंब का समीकरण हो गया, ठीक है बच्चों, बात आपको समझ में आ रही है। तो इसी तरह से आप इसको देख सकते हैं, आप इसको देखें आगे, ये तो स्पर्शी और अभिलंब की समीकरण आ गए, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए दोनों के बीच का कोण, यानी पहले वक्र और दूसरी वक्र। तो अभी हमने पहले वक्र का केवल स्पर्शी और अभिलंब का समीकरण ज्ञात किया है, अब क्या करेंगे, समीकरण दो का यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा बच्चों, तो यह वन मिलेगा टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो यह हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स वन अपॉन टू वाई। अब इसकी प्रवणता को हम माने, यदि प्रवणता इसको हम मान ले यम वन है, इसकी प्रवणता को हम यम वन मान ले रहे हैं, तो यम वन बराबर क्या हो जाएगा, dy वाई बाई डी एक्स प्रतिच्छेद बिंदु आपका वही रहेगा जीरो वन, वन अपॉन टू इंटू वन यानी हाफ आया इसकी प्रवर्तन। तो स्पर्शी का समीकरण भी निकाला जा सकता है, स्पर्शी का समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों,
y माइनस वन इज इक्वल टू हाफ x माइनस जीरो। इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस y माइनस टू इज इक्वल टू x, यानी x माइनस टू आई प्लस टू इक्वल टू जीरो। ये आपकी स्पर्शिका समीकरण हो गया। और अविलंब अगर आपको निकालना हो, यदि अविलंब की प्रवणता यमोन डेश हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, यमोन इंटू यमोन डेश इज इक्वल टू माइनस वन। तो यमोन डेश इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन यमोन, माइनस वन अपॉन वन बाई टू माइनस टू। ये आपका हो जाएगा अविलंब की प्रवणता। अब आप अविलंब का भी समीकरण ज्ञात कर सकते हैं द्वितीय रेखा के लिए भी। अविलंब अविलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस वन माइनस टू एक्स माइनस जीरो। इट कैन बी राइट y माइनस वन माइनस टू एक्स, यानी हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस वन बराबर जीरो। तो इस तरह से हम जो दिए गए दोनों वक्र थे, उन दोनों वक्रों का सबसे पहले प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात किए, उसके पश्चात दोनों वक्रों का अवकलन करके उनके स्पर्शी और अभिलंब ज्ञात कर लिए। अब क्या ज्ञात करना है, जैसे ये दोनों आपको वक्र दिए गए हैं तो मैं समझता हूं ये वक्र इस तरह से होंगे। इसको अगर हम दिखाएं तो ये दोनों परवलय हैं। पहला वक्र आपका जो है वो कुछ इस कैटेगरी में होगा और दूसरा वक्र आपका कुछ इस कैटेगरी में होगा। दोनों वक्र कहां काट रहे हैं, जीरो वन यहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यहीं पर दोनों वक्रों की स्पर्शियां खींची गई हैं। एक स्पर्शी इस तरह से खींची गई होगी और एक इस रेखा की स्पर्शी खींची गई होगी। तो एक स्पर्शी को अगर हम पी क्यू और दूसरे को पी आर से दिखाएं तो इनके बीच का ये जो कोण है थीटा, इसी को हमें फाइंड करना है। तो इस रेखा पहले की जो पी आर की है उसकी प्रवणता ज्ञात कर चुके हैं, यम का मान। यम का मान क्या है बच्चों, जीरो है। और दूसरी स्पर्शी की भी प्रवणता हम ज्ञात कर चुके हैं, एक बटा दो है। तो क्या कहेंगे, यदि दोनों के बीच का कोण थीटा हो तो टैन थीटा बराबर होता है प्लस माइनस यम माइनस यमन बटा वन प्लस यम इंटू यमन। यहां से क्या हो जाएगा, टैन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस जीरो माइनस हाफ डिवाइड बाई वन प्लस जीरो मल्टीप्लाई बाई वन बाई टू। ये हो जाएगा टैन थीटा बराबर प्लस माइनस ये हो जाएगा वन अपॉन टू, यानी थीटा बराबर कर सकते हैं टैन इनवर्स प्लस माइनस वन बाई टू। तो यह आपकी दोनों वक्रों के बीच का क्या होगा, झुकाव। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से स्पर्शी और अभिलंब को हल करते हैं। और आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब लोग सब्सक्राइब करिए। जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी सवाल आपको ना आता हो, वो सवाल आप सेंड करेंगे हमारे चैनल के थ्रू, तो हम आपको यहां से सवाल बता करके उसका सलूशन भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच।